नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारत के सबसे वांछित अपराधियों में से एक आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स, जिसे संक्षिप्त में KCF के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार को शनिवार यानी 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कट्टरपंथी सिख संगठन दल खालसा के नेता कंवरपाल सिंह ने पंजवार के मौत की पुष्टि की। कंवरपाल ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार जब वो मॉर्निंग वॉक पर था, तब 2 शूटर आए और उन्होंने उसको गोली मार दी। उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा मुहैया कराए गए पंजवार के बॉडीगार्ड ने शूटरों पर गोलियां चलाईं, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। इसको किसने मारा है ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसे खुद ही ठिकाने लगा दिया। अपने प्यारे भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे लिए ये बिन बिन सिचुएशन है। पंजवार का मामला इकलौता नहीं है दोस्तों। इससे पहले जो भी भारत के वांछित आतंकी थे, वो भी इसी तरह पाकिस्तान में, जिसको हम आतंकी फैक्ट्री अगर कहें तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, वहां पर मार गिराए गए हैं। इसी साल फरवरी के महीने में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर को पाकिस्तान के रावलपिंडी में ठीक इसी प्रकार मार गिराया गया। और इसी महीने में पाकिस्तान के एक और आतंकी संगठन अलबद्र के पूर्व कमांडर खालिद रजा की भी हत्या कर दी गई। एक और कश्मीरी आतंकी अहमद इलियास की भी अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई। तो ये पैटर्न अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो भी भारत के लिए वांछित आतंकी थे, जो भारत से बाहर रहकर ऑपरेट कर रहे थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम परमजीत सिंह पंजवार के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कि परमजीत सिंह पंजवार कौन था और लाहौर में ये क्यों रह रहा था और वहां से कौन सी गतिविधियां चालू करता था जो कि हमारे भारत के विरुद्ध। दोस्तों, पंजवार का जन्म 1960 में तरन तारण के पंजवार गांव में हुआ था। 1986 में इसने खालिस्तान कमांडो फोर्स ज्वाइन करी। KCF ज्वाइन करने से पहले ये सोहल में केंद्रीय सहकारी बैंक में काम किया करता था। इस पर अपने चचेरे भाई लाभ सिंह का गहरा प्रभाव था। KCF की स्थापना 1986 में मानवीर सिंह चाहरू द्वारा की गई थी। खालिस्तान का एक स्वतंत्र राज स्थापित करने के लिए KCF ने फिरौती, बैंक डकैती जैसे कुकृत्य करके धनों को जुटाना शुरू किया। इस पैसे का इस्तेमाल अत्याधुनिक हथियार खरीदने में किया जाता था। यह समूह भारत की धरती पर विभिन्न आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना प्रमुख जनरल अरुण वैद्य जी की हत्या भी शामिल है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह जी की हत्या एक सुसाइड बॉम्बर के जरिए करवाने के लिए इसे जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें कुल 17 लोग मारे गए थे। चारू की गिरफ्तारी के बाद लाभ सिंह, जिन्हें सुखदेव सिंह या सुखा सिपाही के नाम से भी जाना जाता है, उसने सत्ता संभाली, यानी कि KCF को कंट्रोल करने का अधिकार उसके हाथों में चला गया। 1990 के दशक में लाभ सिंह की मृत्यु के बाद KCF 2 गुटों में टूट गया, जिनमें से एक का नेतृत्व पंजवार कर रहा था। एक समय पर पंजवार भारत पाकिस्तान सीमा के साथ माझा बेल्ट में एक आतंक का पर्याय था, परंतु जैसे ही सुरक्षा बलों ने खालिस्तानियों पर कार्रवाई तेज की, पंजवार पाकिस्तान भाग गया और तब से वहीं रह रहा था। माना जाता है कि उसके बच्चे और बीवी जर्मनी में रहते हैं। भारत सरकार ने बार बार वांटेड आतंकवादियों में पंजवार का नाम लिया था और सरकार ये भी चाहती थी कि पंजवार को पाकिस्तान वापस लौटा दे, लेकिन पाकिस्तान टेररिस्टों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसको वापस न लौटाकर इसे VIP की तरह वहां पर ट्रीट करना शुरू किया। इस व्यक्ति ने सीमा पार हीरोइन की तस्करी के जरिए धन जुटाकर KCF को जीवित रखा था। केंद्र सरकार के अनुसार पंजवार पाकिस्तान में युवाओं को हथियार प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा था और महत्वपूर्ण व्यक्तियों, BBIPs और जो आर्थिक प्रतिष्ठान हैं, उनको निशाना बनाने के लिए भारत में हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति तथा साथ में घुसपैठ में भी लगा हुआ था। वह भारत सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों को भड़काने के उद्देश्य से रेडियो पाकिस्तान पर अत्यधिक देशद्रोही और अलगाववादी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था। नशीले पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा देने में पंजवार की काफी ज्यादा मिलीभगत थी और पंजाब में नकली भारतीय करेंसी नोटों का संचालन, ये सब अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है, ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। पंजवार के खिलाफ सिर्फ एक साल में 1989 से 1990 तक 7 हत्याओं के लिए टाडा यानी टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। उम्मीद है कि साथियों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसके पैसे थोड़ी लगते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी
और टॉपिक के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।